Friends, uh, so today we are talking about cyber defamation. Uh, so, in this topic, we will start with introduction and the meaning of defamation in general, what defamation means. Uh, we will talk about uh, some essentials of uh, the offense of defamation, then, uh, we'll talk about kinds of defamation. देन वी विलकम टू साइबर डेफेमेशन वॉट इज़ साइबर डेफेमेशन और एक इस तरह से डिफरेंट है जब हम डेफेमेशन इन जनरल बात करते हैं इन द फिज़िकल वर्ल्ड अगर बात करते हैं uh, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स एंड ईशूज़ जो साइबर डेफेमेशन के साथ हैं सो so उसके बारे में बात करेंगे और फाइनली हम बात करेंगे वाट इज़ द लाइबिलिटी अंडर आई पी सी एंड द आई टी एक्ट टू थाउजेंड फॉर डेफेमेशन एंड इन साइबर डेफेमेशन एज वेल सो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सो वी सी इन द मॉडर्न टाइम दैट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इट हैज़ ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशन इन द इन दियर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट आज की डेट में it is just like a commodity in every house and internet it has given new ways for the users for the public at large to express their opinion to share their thoughts to share their feelings with their uh, with their known persons with their friends or with their relatives on the social media platform so jitna is uh, is you know, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को इंटरनेट ने किया है उसी के साथ ही कुछ एक प्रॉब्लम्स भी हैं जो विद दिस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और द शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स और थॉट्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं और उन्हीं इश्यूज में से एक इशू है साइबर डेफेमेशन का वन समबडी पोस्ट सम इंफॉर्मेशन अगेंस्ट दर्सन और विच हार्म द रेपूटेशन ऑफ अ पर्सन इन दिन इन जनरल इन द सोसाइटी सो वो प्रॉब्लम्स भी सामने जब हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं सो इंटरनेट की बात करते हैं सो दिस इज अव काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस Uh, now let us uh, first discuss about defamation in general. And defamation is yeah. So defamation, it is defined in a section 499 of IPC. So 499 it says that whoever by words either spoken, or intended to be read, or signs, or by visible representation, makes or publishes any imputation. Concerning any person intending to harm or knowingly or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said to defame that person. So, this is the definition of uh, defamation under IPC section 499. On the basis of this defamation, you will see that uh, there are certain essential elements of uh, the offense of defamation and the first is that the defamatory statement it must be published the statement which is made by a person that must be published a publication that it must come into the knowledge of certain third person the communication between two persons it do not amounts to defamation agar, जब तक उसको तीसरा कोई पर्सन सुनता नहीं है या उसके सामने एक्सप्रेस नहीं किया जाता है तो ये जरूरी होगा डेफिमेशन के ऑफेंस के लिए दैट द पब्लिकेशन ऑफ द डेफिमेटरी स्टेटमेंट दैट मस्ट बी मेड पहली बात सेकेंडली द प्लेंटिव विल हैव टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट वॉज रेफर्ड टू हिम तो ये प्रूव करना पड़ेगा प्लेंटिव को कि जो डेफिमेटरी स्टेटमेंट है वो उसको रेफर की गई है थर्ड इज दैट द स्टेटमेंट इट मस्ट बी डेफिमेटरी इन नेचर वो स्टेटमेंट डेफिमेटरी uh, होनी चाहिए उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो एक डेफिमेटरी स्टेटमेंट है अब स्टैंडर्ड्स क्या होंगे इसके कि कोई स्टेटमेंट डेफिमेटरी स्टेटमेंट है या नहीं है वो इस बात पे डिपेंड करेगा द कोर्ट विल सी दैट हाउ द राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वुड हैव टेकन दैट इंफॉर्मेशन or would have taken that statement. So if uh, if the that is uh, considered as a defamatory statement so would defamation have and lastly for the offense of defamation the intention to defame needs to be necessary 499 it says that yeah, there must be intention or knowledge of the person. हु इज यूजिंग दैट स्टेटमेंट हु इज पब्लिशिंग और मेकिंग दैट स्टेटमेंट तो उसके लिए इंटेंशन का होना भी जरूरी है तभी वो डेफेमेशन का ऑफेंस होगा ना लेट्स डिस्कस ना द काइंड ऑफ डेफेमेशन तो डेफेमेशन दो तरह की होती है दो कैटेगरीज में इसको हम कैटेगराइज uh, करते हैं वन इज लाइबल एंड द अदर वन इज सलेंडर लाइबल क्या होता है लाइबल मीन्स अ स्टेटमेंट दैट इज डेफिमेट्री एंड इट इज़ इन परमानेंट फॉर्म जो रिटर्न फॉर्म में होती है या परमानेंट फॉर्म में होती है उसको हम लाइबल कहते हैं एंड सलेंडर मीन्ज एनी स्टेटमेंट लाइक विच इज़ स्पोकन बाई वर्ड्स आर माउथ एंड विच इज़ इन ट्रांजिट फॉर्म जस्ट अपोजिट टू लाइबल कि वो परमानेंट फॉर्म में नहीं होती है ये एक ट्रांजिट फॉर्म में होती है तो उस स्टेटमेंट को हम सिलेंडर कहते हैं बट रिमेंबर ये जो कैटेगराइजेशन है इन इंग्लैंड नाउ इट इज ओनली लाइबल विच इज पनिशेबल ऑफेंस वाइल सिलेंडर इट इज नॉटल लेकिन इंडिया में ऐसा uh, कोई कैटेगराइजेशन फॉर द परिशमेंट नहीं है इंडिया में दोनों फॉर्म जो हैं चाहे वो लाइबल है या सिलेंडर है वो दोनों पनिशेबल ऑफेंसेस हैं एंड इन इंडिया डेफामेशन इज बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस दोनों हैं सिविल ऑफेंस भी है और ये एक क्राइम भी है सो इट इज अपर्सन वैदर ही वॉन्ट्स टू गो इन द सिविल कोर्ट और वॉन्ट्स टू गो इन क्रिमिनल कोर्ट फॉर द रिड्रेसल

एज पर सेक्शन फोर नाइनटी नाइन जो अभी हमने डिस्कस किया जब डेफिमेशन किया जाता है विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट और विद द यूज़ ऑफ़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सो वो डेफिमेशन इट कन्वर्ट्स इंटू साइबर डेफिमेशन। जब साइबर वर्ल्ड का यूज़ किया जाता है डिफेम करने के लिए डेफेमेशन करने के लिए सो दैट डेफेमे इट कम्स अंडर द मीनिंग ऑफ साइबर डेफेमेशन now, uh, talking about cyber defamation, now it has far more wider effect when we talk about the physical form of uh, defamation, otherwise which is there in the physical world. Uh, reason is that in the cyber world, in the world of internet, the information that travels very fast from one place to another ye just a minute ki baat hai it is just a matter of some minutes or some seconds and when the information is posted on the cyber world it it travels like anything like the like the imagination of a person और जब किसी की reputation के अगेंस्ट कोई डेफिमेटरी स्टेटमेंट अगर पोस्ट किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत वाइडर बहुत जल्दी होता है और इट मे कॉज अ सिग्निफिकेंट लॉस टू द रेपूटेशन ऑफ अ पर्सन जब डेफेमेशन किया जाता है विद द यूज ऑफ साइबर डेफेमे और विद द यूज ऑफ इंटरनेट राइट देन वी कम टू द लाइबिलिटी ऑफ साइबर डेफेमे एंड फॉर डेफेमेशन इन जनरल एज वेल सो इन इंडिया अ पर्सन कैन बी मेड लाइबल

and it says that any person who is found guilty uh, for the offence of defamation he may be punishable with imprisonment of 2 years or with fine or both punishment can be awarded to such person uh, the next uh, section which is related with this is section 503 of ipc which provides for the offence of criminal intimidation by electronic means, also, and which uh, damages the reputation of a person in the society. So, if any person threats by, uh, by threats, uh, you know, causes the offense of uh, criminal intimidation, now that person can also be held liable for that. And Section 506 provides for punishment in this regard, or uh, Section uh, 506 may be punishment. टू ईयर्स की इंप्रिजनमेंट हो सकती है या फाइन या बोथ जो पनिशमेंट्स हैं वो अवॉर्ड की जा सकती हैं एक्यूज को फर्दर इट सेज कि अगर जो थ्रेट है इफ दैट इज़ विद विद एनी ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल विद इफ थ्रेट इज़ दैट ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट अगर डेथ या ग्रीवियस हर्ट का थ्रेट है तो ऐसे में जो इम्प्रिजनमेंट है वो सात साल तक की हो सकती है या फाइन या दोनों जो पनिशमेंट्स हैं वो अवॉर्ड की जा सकती हैं को इस केसेस में नाव uh, uh, जब हम बात करते हैं आई टी एक्ट टू थाउजेंट की एंड द डेफेमे साइबर डेफेमेशन सो सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए अर्यर विच वॉज देयर इन आई टी एक्ट टू थाउजेंट It used to provide punishment for sending offensive message uh, through computer, mobile, or tablets, or through any other means. But uh, as we have discussed in our earlier lectures also, this section it was struck down by the Supreme Court in Surya Singhal versus Union of India in 2015 uh, because. The court said that it violates the uh, freedoms under Article 19 and it also is violative against Article 21 of the Constitution. So, this section is no more there. Uh, other section, which is also a correlative section, which provides for uh, of punishment for publication of obscene material, that is Section 67 of आई टी एक्ट टू थाउजेंड इस सेक्शन में भी आ, जो पनिशमेंट है वो दो साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फाइन या बोथ दिस पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड टू द एक्यूज नो रिमेंबर कि जब भी साइबर डेफेमेशन केसेस होंगे इट शैल ऑलवेज बी रेड विद सेक्शन फाइव हंड्रेड ऑफ आई पी सी तो आई पी सी भी एप्लीकेबल करेगा सो so, बेश अगर साइबर डेफेमेशन भी है सो इट विल बी रेड विद सेक्शन फाइव हंड्रेड ऑफ आई पी सी एंड द एक्यूज विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू दैट ना अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स एंड ईश्यूज़ इन साइबर डेफेमेशन तो साइबर डेफेमेशन के जब हम ऑफेंस की बात करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली uh, हम देखते हैं कि जो साइबर डेफामेशन में होते हैं फर्स्ट वन इज देट इट इज द आइडेंटिटी ऑफ द पब्लिशर जो पर्सन पब्लिश करता है इंफॉर्मेशन को ऑन द इंटरनेट न देट इज़ समाइम वेरी डिफिकल्ट टू नो एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द पर्सन इन इन टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉगर्स कुछ आपने जो ब्लॉग ब्लॉग्स हम देखते हैं गूगल पे सोशल मीडिया पे अगर कुछ लोग ब्लॉग्स जो हैं वो लिखते हैं या डालते हैं सो so उन लोगों की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती सम द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द पीपल द ब्लॉगर्स और द पर्सनस हु आर पोस्टिंग समथिंग ऑन द इंटरनेट दैट इज़ नॉट डिसक्लोज सो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है इफ़ द आइडेंटिटी इज़ नॉट डिसक्लोज सेकेंडली Uh, जब ब्लॉग्स कोई पोस्ट किया जाता है या कोई इंफॉर्मेशन डेफिमेटरी आर्टिकल या इंफॉर्मेशन किसी के बारे में पोस्ट की जाती है सेकंड थिंग इज द पर्सनस हु आर कमेंटिंग ऑन दैट बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं उसके ऊपर अगेन जो लोग कमेंट कर रहे हैं कमेंट्स में ऑल्सो अमाउंट्स टू डेफिमेशन अगर वो कमेंट अगर डेफिमेटरी है अपने आप में सो तो वो भी लाइबल है आ, उसकी भी लाइबिलिटी है डेफिमेशन के लिए बट अगेन जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल टास्क है रीजन बीइंग दैट अगेन द आइडेंटिटी दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड ड्यू टू द रीज़न दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिस्क्लोज़ द आइडेंटिटी और क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना जो कमेंट कर रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है सो नो बडी बास एंड इवन इफ अगर कहीं कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ऐसी है कि जहाँ पर आपको आइडेंटिटी आपने डिस्क्लोज करनी पड़ेगी नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा सो मैनी ऑफ द टाइम्स वी फाइंड दैट द पीपल दे गिव द फॉल्स नेम दे गिव द फॉल्स आइडेंटिटी और अगर फॉल्स आइडेंटिटी दी जाती है अगेन इट इज़ इट बिकम्स डिफिकल्ट टास्क टू आइडेंटिफाई द पर्सनस जो वो पब्लिश uh, कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को और या जो लोग कमेंट भी कर रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लम uh, रहती है जब हम साइबर केसेस की बात करते हैं साइबर डेफेमेसन की बात करते हैं नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट व्हाट फॉर्म ऑफ डेफामेटरी पब्लिकेशन दे आर एडमिसिबल इन द कोर्ट्स इन इंडिया सो सेक्शन सिक्सटी फाइव ए एंड सिक्सटी फाइव बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट दैट प्रोवाइड्स की जो इंफॉर्मेशन है वो uh, किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है प्रिंटेड है अदरवाइज सेव्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और uh, सो so इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड जो वो है वो एडमिसिबल uh, है इन सच केसेस इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ सेकेंडली ऑनलाइन चैट्स हैं चाहे वो फेसबुक पे चैट है व्हाट्सएप की चैट है या किसी ट्विटर पे है या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट पे है सो so इस तरह की सारी चैट्स जो हैं वो भी एडमिसिबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में देन इलेक्ट्रॉनिक मेल्स ई मेल्स सो ई मेल का अगर यूज़ किया गया है तो वो ई मेल भी दैट इज़ ऑल्सो एडमिसिबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रूविंग द ऑफेंस ना Uh, let us discuss this case smc pneumatics india private limited versus jogesh Quatra. Uh, ye civil defamation ka case tha, um, uh, cyber defamation ka. and uh, it, in this case it was alleged that the company's reputation was harmed by an employee who sent uh, some derogatory and obscene emails to his uh, employers and other subsidiary companies of uh, that company in which he was employed so in this case the delhi high court uh, issued an ex party and interim injunction against the employees stating that that it is a prima facie, facie case uh, that the reputation of the company is harmed and in this case the employees he was employed the so called employee he was he was uh, he was debarred from publishing the uh, derogatory emails. Now this is it. We have in this lecture. Thank you. <laughs>